हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन एंड इट्स काइंड। इसमें मैंने आपको कॉमन नाउन पढ़ाया था, आपको मैंने प्रॉपर नाउन पढ़ाया, करेक्टिव नाउन पढ़ाया था, मटेरियल नाउन पढ़ाया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नाउन डैट रेफर्स टू आइडियाज, फीलिंग्स और थॉट्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि है हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, दयालुता, ब्रेवरी, बहादुरी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं? फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजिंग सफिक्स। सफिक्स लगाकर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं? जैसे कि काइंड। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है और इसमें हमने नेस लगा दिया, यानी सफिक्स लगा दिया नेस, तो ये काइंडनेस बन गया, जो कि क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हम डार्क में हम क्या लगा सकते हैं? नेस लगा के डार्कनेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो हम सफिक्स लगा के भी नाउन में और एडजेक्टिव में हम उसको क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। फर्स्ट, एवरी संडे द प्रीचर एक्सप्लेन द बाइबल टू द डैश। यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन फिल करना है, कोई भी कलेक्टिव नाउन, जैसे कि हम यहाँ पे क्लास फिल कर सकते हैं, क्लास नहीं तो हम क्राउड भी फिल कर सकते हैं। ओके, क्लास। नंबर टू, द पीपल ऑफ डैश आर प्राउड ऑफ द सोल्जर्स फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। तो प्रॉपर नाउन फिल करना है, प्रॉपर नाउन में इंडिया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, कंट्री नेम है। नेक्स्ट, द चीफ वॉज फिल्ड विद डैश वैन द ट्राइबल टोल्ड हिम डैट सम मैन हैड अटैक्ड देयर ब्लेज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे सोरो। नेक्स्ट, फोर, द डैश हैड ए ब्रास लॉक डैट कुड नॉट बी अनलॉक्ड। तो यहाँ पे कंक्रीट नाउन हमें फिल करना है, तो डोर। The door had a brass lock that could not be unlocked. Fifth one, the family moved to a beautiful cottage by the Dash River. यहाँ पे proper noun fill करना है, तो यहाँ पे river का name लिखना होगा, तो हम यहाँ पे कोई भी river name लिख सकते हैं, गंगा, यमुना, as you wish, गंगा। Okay students, आपका chapter ये finish हो गया है, complete हो गया है। Okay, thank you.